Hello everyone, I am Parveen Singh. Today we cover masonry used in constructions, road constructions. So students, in the road construction we use the many type of masonry, and masonry is the important part of our construction projects. Without masonry we not complete our work within time, and that will be more time consuming or also a more costly. So in every project, in a estimate, when we estimate the project cost, so we estimate the cost of the equipment and masonry in a new project. So if we estimate, there is a 50 to 30% of total project cost has been accounted towards the equipment and masonry. So it is therefore important site managers and construction planner to familiar with the characteristics of major type of equipment most commonly used in construction. So here you can see necessity of masonry. So necessity increase the rate of output through work progress. Also we reduce the overall construction cost and save construction time. Carry out activity which can not be done manually. Also, we maintain the planned rate of productions, right? And also, we see maintain the high quality standards. If we using the masonry, we maintain the quality standards to by checking the equipment, testing and such types of work, right? So eliminate the various hazards and health issues. So here various necessity point you can see here. Now we see the selection of masonry. So students, which type of project will be work out? So on the base of the projects we choose the masonry. So masonry chosen based on the factors, flowing factors. First is the purchase cost. और उसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा कुछ टाइम बाद, और मेंटेनेंस क्या रहेगा, फ्यूल. तो स्टूडेंट्स, कोई भी बिल्डर्स है या कोई भी आपको प्रोजेक्ट हैंडलर है, तो वो आपका सबसे पहले यदि मशीनरी देखना चाह रहा है तो वो आपका देखा कि परचेज कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है, डेप्रिसिएशन कितना होगा कुछ टाइम बाद उसमें, और मेंटेनेंस कितना लेगा, राइट. यदि एक एग्जाम्पल बात ले, हम एक मारुति की गाड़ी लेते हैं या एक और किसी कंपनी की गाड़ी लेते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस कम रहता है, और जो भी और अदर जैसे मान लीजिए होंडा ही है तो उसमें मेंटेनेंस ज्यादा रहता है. तो ये इस प्रकार से कंपैरिजन करते हुए वो अपना बजट देखते हुए ये चीजें देखता है, ठीक है. फ्यूल कितना ले रही है, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच वी ऑन द बेस वी आर परचेजिंग द मशीनरी, राइट. और स्टूडेंट्स, एक सिलेक्शन ये है आपका, व्हेन वी यूज द मशीनरी, सो कौन सी आपको मशीनरी यूज करनी है, किस काम के लिए, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है. ये आपको आता है आपका एक्सपीरियंस और उस मैसनरी के बारे में नॉलेज होने के लिए. आपको उस मैसनरी की नॉलेज है कि ये मैसनरी हमारा ये काम करती है और ये मैसनरी हमारा ये बेटर काम कर सकती है. तो इससे हम क्या करेंगे, परफेक्ट वर्क के लिए हम परफेक्ट मैसनरी यूज कर पाएंगे. इससे क्या होगा, हमारा बेटर एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट भी कम लगेगी हमारी, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें मैसनरी के बारे में कुछ मालूम होगा तो हम सिलेक्शन कर पाएंगे मैसनरी का, राइट. तो नेक्स्ट नेक्स्ट वी सी वेरियस टाइप ऑफ मैसनरी. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एक्सकेवेशन मैसनरी. यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ एक्सकेवेटर्स. एक्सकेवेटर्स आर यूज्ड टू एक्सकेवेट द अर्थ. So you can see here, excavator used for digging the trenches, material handling, forestry work and demolitions, heavy lift and mining, etc. So performance of excavator can be measured from the production cycle. Kitna performance karega, that is the production cycle. Production cycle hota hai students, wo aapka excavate karne ke baad usko jis
जिस जगह पे डिप करना है या डालना है, जैसे डंप करना है, तो दैट इज द प्रोडक्शन साइकिल, वहां से फिर वापस आना, दैट इज अ वन साइकिल ऑफ प्रोडक्शन. सो इट इज द टाइम दैट एन एक्सपर्ट टुक टू लोड द बकेट फ्रॉम सोर्स, स्विंग, डंप, रिटर्न बैक द डिग अगेन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल. सो देयरफॉर फास्टर द ऑपरेशन स्पीड, द फास्टर विल बी द कंप्लीट, एंड हेंस प्रोडक्शन साइकिल विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट है आपका चैन टाइप एक्सक्वेटर. तो चैन टाइप एक्सक्वेटर है ये आपका क्या है, कोई जैसे आपका वाटर लॉगिंग एरिया में हमें एक्सक्वेट करना है, मतलब वाटर लॉगिंग मतलब आपका जैसे क्ले टाइप सोयल है उसमें हमारा सिंपली व्हील आपका नहीं जा सकता, तो थ्रू दिस ट्रेवलर व्हील्स, या कोई हिली एरिया में हमें एक्सक्वेशन करना है तो थ्रू दिस व्हील वी यूज दिस टाइप ऑफ एक्सक्वेटर, चैन एक्सक्वेटर टाइप यूज कर सकते हैं. तो हिली में आप देखोगे तो ये जो हिली एरिया है हमारा चैन एक्सक्वेटर यूज होता है. तो ये आपका जो हार्ड, ऑब्वियसली हार्ड और मीडियम टाइप ऑफ सॉइल को एक्सक्वेट कर सकता है. दिस इज द व्हील एक्सक्वेटर, व्हील एक्सक्वेटर रन ऑन व्हील्स. इसकी क्या आपको यूज एज एक्सक्वेशन लोडिंग एंड डंप ट्रक, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज ओनली यूज टू प्लेन ग्राउंड ऑपरेशन व्हील टाइप्स. सो बिकॉज ऑफ द व्हील इट इज नॉट स्टेबल फॉर हिली एरिया ड्यू टू लो ग्रिप वैल्यू ऑफ द ग्राउंड. नाउ वी सी द नेक्स्ट एक्सक्वेशन मशीनरी इज द ड्रैग लाइन. ड्रैग लाइन स्टूडेंट्स आपका काफी ज्यादा बूम्स होने के कारण और आपका ये जो ड्रैग है, थ्रू दिस वी यूज द मीडियम एंड सॉफ्ट मटेरियल एक्सक्वेशन, राइट? सो यूज द एक्सक्वेटर एंड लोड इट इन टू द होलिंग यूनिट्स, यूज टू डिपोजिट द एक्सक्वेटर ऑन द बैंक्स, राइट? टू डिग सॉफ्ट और मीडियम हार्ड मटेरियल्स. Use for which type of materials? Dig soft or medium hard materials. Digging is at or well below ground level where material are to be lifted from a pit. So, drag line आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, this is the drag line. तो यह आपको क्या है, केवल आपका जो लूज या मीडियम सॉफ्ट मटेरियल उसको भर के बैंक या जैसे रिवर वगैरह कोई हमने खुदाई करनी है तो उसके लिए इजीली यूज किया जा सकता है, राइट? सो सजेशन इज हियर फॉर द ड्रैग लाइन, कीप बकेट टीथ इज गुड कंडीशन, सो अवॉइड फिलिंग अप और रॉक इन फ्रंट ऑफ द मशीनरी, रॉक वगैरह ना आए उसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है? So keep off that drag cable from working in that free. So जो आपकी drag cable उसको dirt free रखना, host each bucket as soon as it is full. Avoid swinging when bucket is digging position. For heavy load making swing slowly. Keep the machine in level. Avoid overholding the bucket. And next we see avoid traveling upgrade with high boom. We see the advantage of the excavator, drag line excavator can do the underwater digging work. Next advantage here, for digging from the pit, need not to go into the pit. Disadvantage here, to increase the length of the boom means to decrease the size of bucket. Now you see next is dozer. So bulldozer used for the following operation: level the earth, clear construction site, debris, clear floor of borrow pit, backfill trench, move earth of distance from 80 to 100 meters, construct temporary road through the difficult areas. So these type of work done by the bulldozers. Here classification of bulldozer on basis of blade direction, जो आपकी blade direction उसके basis पे classification है. Bulldozers these are mounted with the blade perpendicular to the direction of travel. जो dozers है आपका bulldozer, पहला आप bulldozer हुआ फिर आपका हुआ angle dozers. These are mounted with the blade set at angle with the direction of travel.
So the angle of inclination of blade is kept up with the 65 degree. राइट right. तो ये आपके डोजर्स के टाइप है, ऑन बेसिस ऑफ जो आपकी ब्लेड है वो माउंटेड होगी, उसके बेस पे हमने डोजर को क्लासिफाई किया. ऑन बेसिस ऑफ व्हील, यदि हम देखें व्हील के बेसिस पे, तो व्हील ट्रैक्टर माउंटेड बुलडोजर होता है आपका, एक होता है क्रेवलर ट्रैक्टर बुलडोजर. तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ राइजिंग एंड द लोअरिंग ऑफ द ब्लेड, केबल कंट्रोलर और हाइड्रोलिक कंट्रोल, ये भी आपका होता है. ठीक है. सो इफ वी सी द कंपेरिजन बिटवीन द Traveler mounted and the wheel mounted dozers. So wheel mounted dozer have a greater speed, right? We see the traveler mounted dozer are most compacted. Traveler dozer are more powerful. Traveler mounted dozer can operate in soft footing. Traveler mounted dozer can travel over a muddy surface. Traveler type dozer can operate even in rocky areas. देखिए स्टूडेंट, जो डोजर्स है आपका, जो सिंपली व्हील टाइप ऑफ डोजर्स है, वो आपका क्या करेगा, आप उसकी स्पीड तो तेज होगी और आप इन्हें प्लेन एरिया पे ही आप उससे काम ले सकते हो. राइट. यदि हमें कोई मडी एरिया में हमें काम लेना है या हमें हिली एरिया में काम लेना है, तो हम ट्रेवलर माउंटेड डोजर का यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एक्सक्यूशन मशीनरी आपकी बैक हुई. बैक है ऑल्सो ए रियर एक्टर और बैक एक्टर. इज ए पीस ऑफ एक्सक्यूटिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ डिगिंग बकेट ऑन द एंड ऑफ द टू पार्ट आर्टिकुलेटेड आर्म. नाउ वी सी द ग्रेडर. सो ग्रेडर आप का क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका जो एक तरह से लेवलिंग करता है, कोई आपका स्प्रेड, कोई हीप पार्ट है उसको स्प्रेड करना. ठीक है. Maintaining across the section embankments. So if we see the we have a shape provide karni hai cross section during the construction, shaping the cross section during the construction, to hum kiska use karenge, grader ka use karenge. Right. To ye sara grader aap dekh sakte ho, yadi road ka kaam chal raha hai aur hamara jaise truck ke dwara hamara aggregates hai, gravel aapka dump hua, to usko spread karna hai. So by using the grader we spread the heap of aggregate. यदि आपका output of grader देखें, तो four passes is about 1300 square meter per hour. Length of blade is about 3.5 meter, right? Generally, grader used for power 100 to 150 hp horsepower. Now we see the compacting machinery. So compacting machinery used to compact the road surface or road layer, or you can say soil. So on basis of which type of compaction is required, we use the roller. So here is the many type of rollers. We compact the soil, gravel, or also we compact asphalt in the construction of road. So here is the type of rollers: smooth wheel roller, pneumatic tire roller, sheet foot roller or vibratory roller. आप देख सकते हो smooth foot wheel roller होता है आपका, देख सकते हो यहाँ पे, this is the smooth wheel roller, right? तो ये आपका जो भी, जैसे हम graveler, आपको gravels type है आपका surface, तो आप इससे compact कर सकते हो easily. राइट. इसका जो लोड होता है, वेट होता है, दैट इज 8 to 10 tons. सो इट इज ऑल्सो 2XL और 3XL, इन द फॉर्म ऑफ 2XL और 3XL. रोलिंग विड्थ यदि देखें तो इसकी क्या होती है, 200 सेंटीमीटर. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब ग्रेवलर जो लेयर होती है वो हम स्मूथ व्हील रोलर से ही कॉम्पैक्ट करते हैं, बेटर रहता है. पेनोमेटिक टाइप रोलर्स होता है, उसमें आपका एयर के प्रेशर के थ्रू आप कॉम्पैक्ट करते हो. सो यूजुअली यूज इन कॉम्पैक्टिंग एसफाल्ट लेयर इन रोड कंस्ट्रक्शन. यू कैन सी हियर पेनोमेटिक टाइप रोलर्स, एयर इज अ पेनोमेटिक प्रेशर इन द टायर्स ऑफ द रोलर.
So the rear axle has one wheel more than front axle. You can see here shift foot roller. So consist of hollow circular steel drum with steel projection in form of shift foot. You can see here form of shift foot. So this type of roller is stable to compact the cohesive type soil such like a clay, right? The weight of this type of roller is 3 ton to 4.5 ton. Okay. Now we see next is vibratory rollers. These rollers vibrates during the compaction, stable for granular soil. You can see here vibrating. ये आपका क्या कर रहा है compaction के साथ आपका ये आपका चलता जाएगा और ये vibration भी होगा इससे. Right, तो granular soil को जब भी हम compact करेंगे तो इस type के roller का use करेंगे. Right. So this type of roller is a help to increase the shear capacity of earth. Right. You can. So students, ये आपका construction types था जो भी earthwork से related. Now we see the about the dumper. So if we move the earthwork one place to other place, so we use the dumper truck. So dumper truck is truck used to transporting loose materials such as sand, gravel or dirt for construction, right? ये आपका second equipment है tractor trolley. ये भी आपका moving equipment है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है. वन प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसपोर्ट करना है सोइल को या आपके ग्रेवल्स को या डर्ट को, राइट. हियर यू कैन सी अनदर मशीनरी दैट इज द वाटर बाउजर्स यूज फॉर वाटर पर्पज ओनली. जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या स्प्रे करते हैं वाटर की, उसके बाद हम कॉम्पैक्शन करते हैं. सो बाई यूजिंग दिस वी यूज द this type of equipment. Now we use the pavement machinery. So pavement machinery यदि देखें तो आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट टू टाइप ऑफ पेमेंट ही यूज करते हैं. तो बिटुमिन स्प्रे और एस्फाल्ट स्प्रे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में यूज होता है और रिजिड पेमेंट में आपका पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट बैचिंग प्लांट और वाइब्रेटर. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बिटुमिन स्प्रेयर है. ट्रक में आपका एज इसमें क्या था, पहले पानी भरा था, अभी इसमें क्या हुआ आपका बिटुमिन भरा हुआ है एज ए लिक्विड फॉर्म में और ये आपका रोड पे स्प्रे होता रहेगा. यू कैन सी हियर नेक्स्ट है पेवर. यू कैन सी दिस इज अ पेवर यूज्ड टू पेविंग द बिटुमिन लेयर. तो पेवर आपका क्या होता है, ये आपका साथ ही साथ फिनिशिंग भी देता है और साथ ही साथ आपका जो भी प्रॉपर जितनी भी थिकनेस की लेयर चाहिए हमें, रोड थिकनेस लेयर चाहिए उतनी थिकनेस लेयर देता है, सेट कर देते हैं इसको, राइट. इट इज वेरी स्टेबल फॉर मल्टी लेन रोड्स. जो पेवर ऑपरेटर है इसकी जो स्पीड है दैट इज 1.5 टू 10 मीटर पर मिनट, राइट. जो मैट विड्थ कैन बी एडजस्ट इन द रेंज ऑफ 2 to 5 मीटर. यू कैन सी हियर यहाँ पे आपका थ्रू द डंपर्स वी यूज द बिटुमिन्स रेड मिक्स बिटुमिन्स जो आपका है, ठीक है, विद द एग्रीगेट्स. उसके बाद इसमें आपका ये डंप होता रहेगा और यहाँ से आपका ये पेविंग करता रहेगा. नाउ वी सी द नेक्स्ट इज द कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर. सो ये इफ वी सी द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर इज 3 cubic to 9 cubic. You can see here batch mix plant for rigid pavements, and this is the vibrators to eliminate the air voids in reinforcement concrete. Increase the unit weight of concrete. We use the vibrator due to less voids, lesser water absorb, and less void increase the strength of concrete. So हमारा मेन एम क्या है,
कि जो एयर वर्ड्स है उसको एलिमिनेट करना, सो दैट विल बी एलिमिनेट बाय द वाइब्रेटर्स. सो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटर इज कॉल्ड निडल टाइप ऑफ वाइब्रेटर. थैंक यू स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम. टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय.